मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तीसरी बार सीएम देखना चाहते हैं, तो अभी वो सीएम बन गए हैं, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैंने आगे घोषणा किया था कि मिस ममता बनर्जी जो अभी हमने अलायंस होने का टाइम में मैंने घोषणा किया था कि अब तो सत्र बार मिस ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर होने के लिए मैं उसको जो हम लोग गठबंधन के तरीका से हम लोग हेल्प करेंगे और ज़रूर 110% वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये तो मैंने कह दिया था। तो आज मुख्यमंत्री बन गया है, तो मैं चाहता हूँ आज ये भी कहना चाहता हूँ कि आने वाला दिन में जो भारत देश चलाने वाला प्राइम मिनिस्टर का भी वो हकदार हो सकता है कल, और उसमें एक क्षमता है, उसमें एक लागत है, जो इस वो जो परिश्रम करता है, वो जो जितना भी वो काम करते हैं, तो देश के लिए, क्षेत्र के लिए, विभिन्न गांव विकास के लिए वो करता है। तो मैंने ये देखा है और मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ आने वाला दिन में वो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी देखना चाहता हूँ 2024 में। किसको देखना चाहते हैं? मिस ममता बनर्जी को। लगता है कि ममता बनर्जी हो जाए गठबंधन जो है अलायंस पार्टी होके एक ही पार्टी है जो बहुमत से यहाँ पर है, और सरकार को जो बीजेपी के सरकार को जवाब देने वाला आदमी एक ही है, एक ही चीफ मिनिस्टर वो है ममता बनर्जी। आने वाला दिन में हम लोग चाहता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं जरूर।